लंज में सनशाइन युवा क्लब चंगर संघर्ष समिति व जमादो के छात्रों ने सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बन रहे विद्यालय भवन से लेकर जहां पर कक्षाएं चल रही हैं वहां तक विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के विरुद्ध रैली भी निकाली गई। इसके बाद लोगों ने प्राचार्य महाविद्यालय बीपी पटियाल के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भी भेजा और सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर कोई भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है या उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो मजबूरन उनको महाविद्यालय के परिसर में भूख हड़ताल करने पर बैठना होगा। रैली के दौरान चंगर संघर्ष समिति के प्रधान जन्म सिंह गुलेरिया, अपर लंज पंचायत प्रधान रेखा देवी, रामलीला कमेटी के प्रधान विनोद चौधरी, युवा मंडल के प्रधान गुगलू दिमान सहित अन्य लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर गुलेरिया ने बताया कि लंज महाविद्यालय को चले हुए करीब 5 साल हो गए हैं, परंतु आज दिन तक स्टाफ की कमी की वजह से यहां पर क्षेत्र के बच्चे अपना दाखिला नहीं करवाते हैं। वह धर्मशाला और कांगड़ा का रुख करने पर मजबूर होते हैं, जहां पर पीजी में रहकर पढ़ाई करने पर मजबूर होते हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में पिछले 2 सालों से राजनीतिक शास्त्र की पोस्ट खाली पड़ी है। अभी भी अंग्रेजी, कॉमर्स, म्यूजिक, तबला वादक की पोस्टें खाली चल रही हैं। क्षेत्र के बच्चों का दुर्भाग्य है कि आज दिन तक मैथ के प्रोफेसर की पोस्ट तक नहीं भरी गई। युवा मंडल के प्रधान गुगलू दिमान व NSUI के अध्यक्ष प्रशिक्षित पाठक ने बताया कि अगर सरकार ने 15 दिनों के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना तो युवा स्थानीय लोगों के साथ महाविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। यहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि 6 साल हो गए यहाँ पर, मतलब साइंस की क्लासेस नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ के स्थानीय बच्चों को। अच्छा, इस बार आपने +2 की है? हाँ जी। कौन से विषय से? साइंस। और है कोई बच्चा इसमें साइंस वाले? हाँ, ये भी हैं बच्चे। आपने भी +2 इस बार ही की है, तो आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे साइंस की कक्षाएं चलाएं? यहाँ क्लासेस लगे साइंस की, हमें दूर जाना पड़ता है, धर्मशाला, नगरोटा, सूर्य, हम भी चाहते हैं यहाँ पे क्लासेस लगे हमारी। और ये देख सकते हैं आप बच्चे, ये इन्होंने इस बार ही +2 की है, ये बच्चे भी हैं। मुगल जी, आपने भी इस बार ही +2 की है, तो क्या चाहते हैं आप? साइंस की क्लास लगाएगा। हमारे साथ रामलीला कमेटी के प्रधान जी भी हैं, विनोद जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सर, यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी खुद की बेटी है, वो भी यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर रानी तो उसमें जाती थी, नगरोटा सूर्या कॉलेज में, जो कि अब तुंगली में चला गया, और वहाँ के लिए भी बादशाह उतर के या गलुआ चौक में उतर के 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि हमारा ये लंच कॉलेज में साइंस आ जाए तो सभी बच्चों को सारी सुविधा मिले, और बिल्कुल सड़क किनारे कॉलेज है हमारा और हर फैसिलिटी से लैस है, तो इसलिए हमारे यहाँ साइंस क्लासेस भी चलनी चाहिए और स्टाफ भी पूरा होना चाहिए। हमारे साथ हैं अपर लंच के प्रधान श्रीमती रेखा जी। हाँ जी रेखा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे साइंस क्लास के धर्मशाला और नगरोटा सूर्या में जाते हैं, बड़ी दूर है, गरीबों के बच्चे हैं, हमारी साइंस की क्लासें लंच में शुरू की जाए और ये बच्चों की मांगें पूरी की जाए। सनशाइन स्टार युवा क्लब के प्रधान हैं गुल्लू जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? और जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 साल हो गए लंच में कॉलेज बने हुए, बट आज तक जो है वो साइंस की क्लासेज यहाँ शुरू नहीं की गई, जिसके कारण लोगों को जो है, बच्चों को जो है +2 के बाद जो है कॉलेज में के एडमिशन के लिए कांगड़ा और धर्मशाला जाना पड़ता है, और कुछ जो परिवार है वो काफ़ी गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, उनको क्वार्टर का किराया, फिर बस का किराया, इतना खर्च वो नहीं उठा पाते, जिसके कारण उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि फैशन में जो है वो लंच कॉलेज में साइंस की क्लासेस शुरू की जाए। और ये प्रोटेस्ट जो आपका एक दिन का है, उसके बाद आपका क्या? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आज हम शांतिपूर्वक एक दिन का जो प्रोटेस्ट करेंगे, और हम गवर्नमेंट को 15 दिन का समय देते हैं, अगर 15 दिन के हमें अंदर हमें कोई जवाब दिया जाता है, नहीं तो हम 15 दिन के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ठीक।